ओम शांति स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है महसूसता की शक्ति पार्ट वन अव्यक्तवाणी 13 मार्च 69 कुमारियों की रिजल्ट कैसी है आप अपनी रिजल्ट क्या समझती हो विशेष किस बात में उन्नति समझती हो हर एक ने अपना सुनाया याद की यात्रा में कमी है इसलिए इतनी महसूसता नहीं होती अमृत वेले याद का इतना अनुभव नहीं होता है इसलिए जैसे साकार में यहाँ बाहर खुली हवा में सैर भी कराते थे लक्ष्य भी देते थे योग का अनुभव भी कराते थे इसी रीति जो कुमारियों के निमित्त टीचर्स हैं वह उन्हों को आधा घंटा एकांत में सैर करावें जैसे शुरू में तुम अलग अलग जाकर बैठते थे सागर के किनारे कोई कहाँ जाकर बैठते थे ऐसी प्रैक्टिस कराओ छतें तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं फिर शाम के समय भी 7 से 7:30 तक यह समय विशेष अच्छा होता है जैसे अमृत वेले का सतोगुणी टाइम होता है वैसे यह शाम का टाइम भी सतोगुणी है सैर पर भी इसी टाइम निकलते हैं उसी समय संगठन में योग कराओ और बीच बीच में अव्यक्ति रूप से बोलते रहो कोई का बुद्धि योग यहाँ वहाँ होगा तो फिर अटेंशन खींचेगा योग की सब्जेक्ट में बहुत कमी है भाषण करना प्रदर्शनी में समझाना यह तो आजकल के स्कूलों की कुमारियों को 1 सप्ताह ट्रेनिंग दे दो तो बहुत अच्छा समझा लेंगी लेकिन यह तो जीवन में अतींद्रिय सुख का अनुभव करना है ना उसी समय ऐसे समझो जैसे कि बाप दादा के निमंत्रण पर जा रहे हैं जैसे बाप दादा सैर करने आते हैं वैसे बुद्धि योग बल से तुम सैर कर सकती हो जब याद की यात्रा का अनुभव करेंगे तो अव्यक्ति स्थिति का प्रभाव आपके नयनों से चलन से प्रत्यक्ष देखने में आएगा फिर उन्हों से माला बनवाएंगे जैसे शुरू में आप खुद माला बनाती थी ना अव्यक्तवाणी 17 मई 69 अव्यक्ति स्थिति की परख आप सभी के जीवन में क्या होगी वह मालूम है उनके हर कर्म में एक तो अलौकिकता और दूसरा हर कर्मेंद्रियों से अतींद्रिय सुख की महसूसता आवेगी उनके नयन चैन उनकी चलन अतींद्रिय सुख में हर वक्त रहेगी अलौकिकता और अतींद्रिय सुख की झलक उनके हर कर्म में देखने में आएगी जिससे मालूम पड़ेगा यह व्यक्त में होते अव्यक्त स्थिति में स्थित हैं अगर यह दोनों ही चीज़ें अपने कर्म में देखते हो तो समझना चाहिए कि अव्यक्त स्थिति में स्थित है अव्यक्तवाणी 23 जुलाई 69 प्रदर्शनी में भी कुछ नवीनता आनी चाहिए अभी तो इतना ही समझते हैं कि यहाँ की नॉलेज अच्छी है जो बात बतानी है बिना पूछे देखने से ही समझें कि हमको अभी यह सहज रास्ता मिला है इस लक्ष्य को रखकर बनाने की कोशिश करें और टॉपिक में भी आकर्षण हो परमात्मा के परिचय पर रख सकते हो और लोग जो दूर भागते हैं उनको नज़दीक लाना है फिर उसमें धर्म के विचार वाले हों वा कोई प्रकार हो उसकी फिर पीठ भी करनी है बिना पीठ किए सफलता नहीं होगी जैसे म्यूजियम की सर्विस की है उसकी भी पीठ करनी है
उनसे संपर्क रखना है, समय प्रति समय बुलाना है। भले संबंध रखना चाहिए जो उनको परिवार की महसूसता हो, तभी ही सर्विस की सफलता होगी। अव्यक्तवाणी 16 अक्टूबर 69। ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं, ऐसा आवाज फैल जाए कि यह कौन कहां से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो यह कितने अवतार हैं। यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अगर यह स्मृति रख कर जाएंगे तो आपके हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं, वह महसूस करें कि यह कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। अगर आप सभी के बदलने की भावना नहीं तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदलकर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझकर चलना कि निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं, कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। यह स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बनाकर फिर चलना। अव्यक्तवाणी 6 अगस्त 70। सर्वस्नेही बनने के लिए पहले न्यारा बनना है। सर्विस करते हुए, संकल्प करते हुए भी अपने को और दूसरों को भी महसूसता ऐसी आनी चाहिए कि यह न्यारा और अति प्यारा है। जितना जो स्वयं न्यारा होगा उतना औरों को बाप का प्यारा बना सकेंगे। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 71। कर्मणा द्वारा गुणों का दान करने के कारण कौन सी मूर्त बन जाएंगे? फरिश्ता। कर्म अर्थात गुणों का दान करने से उनकी चलन और चेहरा दोनों ही फरिश्ते की तरह दिखाई देंगे। दोनों प्रकार की लाइट होगी, अर्थात प्रकाश में भी और हल्कापन भी। जो भी कदम उठेगा वह हल्का बोझ महसूस नहीं करेंगे, जैसे कोई शक्ति चला रही है। हर कर्म में मदद की महसूसता करेंगे। हर कर्म में सर्व द्वारा प्राप्त हुआ वरदान अनुभव करेंगे। दूसरे, हर कर्म द्वारा महादानी बनने वाला सर्व के आशीर्वाद के पात्र बनने के कारण सर्व वरदान की प्राप्ति अपने जीवन में अनुभव करेंगे। मेहनत से नहीं लेकिन वरदान के रूप में। तो कर्म में दान करने वाला एक तो फरिश्ता रूप नजर आएगा, दूसरा सर्व वरदान मूर्त अपने को अनुभव करेगा। अव्यक्तवाणी 27 जुलाई 71। दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति की समर्थि में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ही यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना जितना इन एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। अव्यक्तवाणी 27 मई 74।
बाप जबकि जानते भी हैं तो भी सुनते क्यों हैं? क्योंकि स्वयं द्वारा किए गए कर्म व संकल्प स्वयं वर्णन करेंगे तो ही महसूसता की सीढ़ी पर पांव रख सकेंगे। महसूस करना या अफसोस करना या माफ़ी लेना बात एक हो जाती है, इसलिए सुनाने की अर्थात स्वयं को हल्का बनाने की या परिवर्तन करने की विधि बनाई गई है। इस विधि से पापों की वृद्धि कम हो जाती है। इसलिए अगर शीश महल बनने के बाद स्वयं को स्पष्ट देख करके स्पष्ट किया तो रिजल्ट क्या होगी यह जानते हो? बाप दादा भी ड्रामा प्रमाण उन आत्माओं को स्पष्ट चैलेंज देंगे तो फिर क्या कर सकेंगे? इसलिए जब महसूसता के आधार पर स्पष्ट हो अर्थात बोझ से स्वयं को हल्का करो, तब ही डबल लाइट स्वरूप अर्थात फरिश्ता व आत्मिक स्थिति स्वरूप बन सकेंगे। महसूसता के आधार से हल्की होने वाली आत्माएं फरिश्ता बनती हैं। अव्यक्तवाणी 24 जून 74। जो महारथी हैं अर्थात पासविद ऑनर होने वाले हैं तो उनकी नींद का टाइम भी योगयुक्त स्थिति में गिना जाता है। उनकी स्टेज ऐसी होगी जैसे कि पाठ समाप्त कर वह स्वयं परम धाम में है और उनको योग की ही महसूसता होगी। जैसे किसी ने कर्मेंद्रियों को ऑर्डर दिया और उसने वैसा ही किया तो मानो कि वह कर्म योगी है। लेकिन जो सेकंड ग्रेड वाले होंगे तो उन्हें इसमें कभी कभी सफलता व कर्म योगी की महसूसता आएगी और कभी कभी नहीं। और बाकी थर्ड ग्रेड वाले को तो तुम जान ही सकते हो। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 75। अपनी लगन में अग्नि की महसूसता आती है। जिस लगन की अग्नि में स्वयं के पास्ट के संस्कार और स्वभाव और अन्य आत्माओं के दुखदायी संस्कार व स्वभाव को भस्म कर सको, ज्ञान द्वारा अथवा स्नेह व संपर्क द्वारा संस्कार परिवर्तित करते तो हो, लेकिन उसमें समय लगता है। मिटा हुआ संस्कार फिर भी कब प्रत्यक्ष हो जाता है, लेकिन अब समय लगन की अग्नि में भस्म करने का है, जो फिर उस संस्कार का नामो निशान भी ना रहे। इस मुक्ति की युक्ति कौन सी है? अर्थात इस लगन की अग्नि को पैदा करने की युक्ति व तीली कौन सी है? तीली से आग जलाते हो ना, तो इस अग्नि को प्रज्वलित करने की कौन सी तीली है? एक शब्द कौन सा है? दृढ़ संकल्प। अर्थात मर जाएंगे और मिट जाएंगे, लेकिन करना ही है। करना तो चाहिए, होना तो चाहिए, कर ही रहे हैं, हो ही जाएगा। अटेंशन तो रहता है और महसूस भी करते हैं। ऐसा सोचना एक प्रकार से यह बुझी हुई तीली है। बार बार मेहनत भी करते हो, समय भी लगाते हो, लेकिन अग्नि प्रज्वलित नहीं होती। कारण यह है कि संकल्प रूपी बीज और दृढ़ता रूपी सार संपन्न नहीं है, अर्थात खाली है। इस कारण जो फल की आशा रखते हो व भविष्य सोचते हो वह पूर्ण नहीं हो पाता है और चलते चलते मेहनत ज़्यादा प्राप्ति कम देखते हो तो दिल शिकस्त व अलबेले हो जाते हो। तब कहते हो कि करते तो हैं लेकिन मिलता नहीं, तो क्यों करें, हमारा पाठ ही ऐसा है। यह दिल शिकस्त व अलबेले के और फल ना देने वाले संकल्प हैं।
आप अन्य आत्माओं को संगम युग की विशेषता कौन सी बताते हो? सभी को कहते हो कि संगम युग है, असंभव से संभव होने का। जो बात सारी दुनिया असंभव समझती है, वह संभव करने का युग यही है। तो स्वयं को भी जो मुश्किल व असंभव महसूस होता है, उसको एक सेकंड में संभव करना, यह है दृढ़ संकल्प। सहज को अथवा संभव को प्रैक्टिकल में लाना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन असंभव को संभव करना और दृढ़ संकल्प से करना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। अब यह नवीनता करके दिखाओ। अव्यक्तवाणी 23 अप्रैल 77। पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे, माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे, दुख के अंश मात्र की महसूसता से सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार, समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ। समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगाओ। अव्यक्तवाणी 12 जून 77। विजय रतन सदा खुश अर्थात हर्षित रहते हैं, स्वप्न में भी दुख का दृश्य ना आए अर्थात दुख के अनुभव की महसूसता ना आए। स्वप्न में भी तो दुख होता है, कोई ऐसा दृश्य देख करके स्वप्न में भी दुख की लहर आती है? सदा विजयी के स्वप्न भी सुखदायी होते हैं, दुख के नहीं। जब स्वप्न भी सुखदायी होंगे तो जरूर साकार में सुख स्वरूप होंगे। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 79। अगर कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। बार बार व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि यह करना नहीं चाहिए, यह रॉन्ग है, जैसे कांटे के समान चुभता रहेगा। जहां पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी, वहां तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन, सेकंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज। इसमें भी नंबर हैं, कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय ही महसूस करते हैं, और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज है महसूसता की, तीसरी स्टेज है पश्चाताप की। इसमें भी नंबर हैं, कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और कई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते हैं, व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वह स्वतः याद आता है। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो ना चाहते भी सारा दिन उसी देवी या देवता की याद आती है
और राध के कारण ही बाप उस देवी या देवता द्वारा याद की रिटर्न में उनकी आशा पूर्ण कर देते हैं। तो जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है तो ज्ञानी तो आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। तो सुना, तख्त निशीन तो सब देखे, लेकिन कोई सदाकाल के उतरते चढ़ते हुए देखे, अभी अभी तख्त नशीन, अभी अभी नीचे। अव्यक्तवाणी 14 जनवरी 80। जितनों को संपर्क में लाएंगे उतनी प्रजा बनती जाएगी। अगर संबंध में लाया तो बच्चे भी बन सकते हैं। कोई कोई अच्छा अच्छा कहकर चले भी जाएंगे, लेकिन वह अंत में हलचल के समय इच्छुक होकर महसूसता शक्ति के साथ साथ आएंगे। इसलिए सेवा करते रहना चाहिए, फिर भी आपको इष्ट मानेंगे ज़रूर। और कुछ नहीं तो कम से कम आपके भक्त तो बन जाएंगे। अगर अंत में यह भी कहा कि इन्होंने संदेश अच्छा दिया, संदेशी थे, पैगंबर थे, यह भी सोचा तो भक्त बन जाएंगे। लास्ट स्टेज भक्त है, वह भी तो चाहिए। अव्यक्तवाणी 17 जनवरी 81। जैसे सेवा केंद्र पर अगर कोई भी सरा स्वभाव संस्कार के वश होकर ऐसी चाल चलन चलते हैं तो सब कहते हो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपके घर के स्थान पर भी ऐसी महसूसता हो कि इस स्थान पर ऐसा कोई कर्म नहीं होना चाहिए, यह फीलिंग दिल में आए कि यह कर्म हम नहीं कर सकते। जैसे सेवा स्थान पर कोई भी कमी पेशी देखते हो तो ठीक कर देते हो, ऐसे अपने लौकिक स्थान को और स्थिति को ठीक कर देना। घर मंदिर लगे, गृहस्थी नहीं। जैसे मंदिर का वायुमंडल सबको आकर्षित करता, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबू आए। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर दूर तक फैलनी चाहिए। इसको कहा जाता है पवित्र प्रवृत्ति। अव्यक्तवाणी 10 जनवरी 82। जैसे बाप के लिए सबके मुख से एक ही आवाज़ निकलती है, मेरा बाबा, ऐसे आप हर श्रेष्ठ आत्मा के प्रति यह भावना हो, महसूसता हो, जो हर एक समझे कि यह मेरी माँ है। यह बेहद की पालना, हर एक से मेरेपन की भावना आए, हर एक समझे कि यह मेरे शुभ चिंतक सहयोगी सेवा के साथी हैं। इसको कहा जाता है बाप समान। इसको ही कहा जाता है कर्मातीत स्टेज के तख्त नशीन। जो सेवा के कर्म के भी बंधन में ना आओ। हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। इस कर्म बंधन से कर्मातीत। तो समझा इस वर्ष क्या करना है? कर्मातीत बनना है, और यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए, आत्माओं को समीप लाना है, ठिकाने पर लाना है। अपने प्रति भी सुनाया और सेवा के प्रति भी सुनाया। अच्छा, सबका संकल्प था ना कि अभी क्या करना है, कौन सी लहर फैलानी है। अव्यक्तवाणी 13 जून 82। माला की विशेषता है एक दो के संस्कारों के समीप दाने से दाना मिला हुआ,
वह तैयारी है, जिसको भी देखें चाहे 108वां नंबर हो लेकिन दाना मिला हुआ, तो वह भी है ना। ऐसे जुड़े हुए हैं, सभी को यह महसूसता आवे कि यह तो माला के समान पिरोए हुए मणके हैं। ऐसे नहीं, संस्कार सबके वैरायटी हैं तो नज़दीक कैसे होंगे। नहीं, वैरायटी संस्कार होते भी समीप दिखाई दे, वैरायटी के आधार पर नंबर हो गए, लेकिन दाने तो नज़दीक है ना, एक दो के। जब तक एक दूसरे से ना मिले तब तक माला बन नहीं सकती। एक भी दाना निकल जाए तो माला खंडित हो जाए, पूज्य माला नहीं कही जाएगी। दूर भी रह जाएं तो भी कहेंगे यह पूजनीय माला नहीं। 108वां नंबर भी अगर थोड़ा दूर है तो माला रेडी नहीं हो सकती। अव्यक्तवाणी 26 जनवरी 83। जो जितना अपने को सर्व प्राप्तियों से संपन्न अनुभव करेंगे वह सदा संतुष्ट होंगे। अगर ज़रा भी कमी की महसूसता हुई तो जहाँ कमी है वहाँ असंतुष्टता है, तो सर्व प्राप्ति है ना। संकल्प की सिद्धि तो फिर भी हो रही है ना। अव्यक्तवाणी 14 अप्रैल 83। रोज़ नई नई पॉइंट स्मृति में रख मनन करो तो बड़ा मज़ा आएगा, मौज में रहेंगे, क्योंकि बाप का दिया हुआ खजाना मनन करने से अपना अनुभव होता है। जैसे भोजन पहले अलग होता है, खाने वाला अलग होता है, लेकिन जब हजम कर लेते तो वही भोजन खून बन शक्ति के रूप में अपना बन जाता है। ऐसे ज्ञान भी मनन करने से अपना बन जाता, अपना खजाना है, यह महसूसता आएगी। अव्यक्तवाणी 10 नवंबर 83। स्टेज पर आते हो तो याद रहता है भाषण करना है, लेकिन यह ज़्यादा याद रहे भाषण निमित्त है। ईश्वरीय शक्ति की भासना देनी है, वाणी में भी ईश्वरीय शक्ति की भासना आवे, इसको कहा जाता है न्यारापन। स्पीच बहुत अच्छी की तो यह स्पीकर के रूप में देखा ना, यह ईश्वरीय अलौकिक आत्माएं हैं, इस रूप में देखें, यह महसूसता करानी है, यह भासना ही ईश्वरीय बीज डाल देती, फिर वह बीज निकल नहीं सकता। एक सेकंड का भी किसको अनुभव हो जाता है तो वह अंत तक मेहनत नहीं लेता। ईश्वरीय झलक का अनुभव जिसने आते ही किया, उनका चलना सेवा करना वह और होता है। जो सिर्फ सुनकर प्रभावित होते उनका चलना और होता है, जो सिर्फ प्यार में ही चलते रहते उनका चलना और है। भिन्न भिन्न प्रकार है ना। तो अभी पहले स्वयं को सदा ईश्वरीय पालना में अनुभव करो, तब औरों को अनुभव हो। ओम शांति। पार्ट 2। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 83। ज्ञान की गहराई को सुनकर खुश हो गए, योग और प्यार के आधार पर चल रहे हैं, लेकिन अभी ज्ञान की गहराई को जाना यह और भी इन्हों को सेवा के निमित्त बनाएगी। माइंड तैयार हो जाए उसके लिए ज्ञान की गहराई चाहिए। ज्ञान और बाप, यह दोनों की महसूसता दिलाना, यह रिजल्ट अच्छी है। कोई भी जाता है तो कितने खुश होते हैं, जैसे कोई आकाश से सितारा नीचे आ जाए, ऐसी अनुभूति करते हैं।
अव्यक्तवाणी 7 मई 84। घबरावे नहीं, क्या करूं, बहुत जिम्मेवारी है, यह करूं व नहीं, क्या करूं, यह भी करूं वह भी करूं, बड़ा मुश्किल है, यह महसूसता अर्थात बोझ है। तो डबल लाइट तो नहीं हुए ना, डबल लाइट अर्थात न्यारा, कोई भी जिम्मेवारी के कर्म के हलचल का बोझ नहीं, इसको कहा जाता है न्यारे और प्यारे का बैलेंस रखने वाले। अव्यक्तवाणी 26 दिसंबर 84। कमजोरी मन की स्थिति को हलचल में ज़रूर लाती है, चाहे कितना भी अपने को छिपावे व आर्टिफिशियल अल्पकाल के समय प्रमाण परिस्थिति प्रमाण बाहर से मुस्कुराहट भी दिखावे, लेकिन सत्यता की शक्ति स्वयं को महसूसता अवश्य कराती है, बाप से और अपने आप से छिप नहीं सकता, दूसरों से छिप सकता है, चाहे अलबेलेपन के कारण अपने आप को भी कभी कभी महसूस होते हुए भी चला लेवे, फिर भी सत्यता की शक्ति मन में उलझन के रूप में, उदासी के रूप में, व्यर्थ संकल्प के रूप में आती ज़रूर है, क्योंकि सत्यता के आगे असत्य टिक नहीं सकता। अव्यक्तवाणी 12 मार्च 85। नम्रता और रहम की भावना अभिमान की महसूसता नहीं कराती, जैसे मुरलियों को सुनते हुए कोई भी अभिमान नहीं कहेगा, अथॉरिटी से बोलते हैं यह कहेंगे, भल शब्द कितने ही सख्त हों लेकिन अभिमान नहीं कहेंगे, अथॉरिटी की अनुभूति करते हैं। ऐसे क्यों होता है? जितनी ही अथॉरिटी है उतनी ही नम्रता और रहम भाव है। ऐसे बाप तो बच्चों के आगे बोलते हैं, लेकिन आप सभी इस विशेषता से स्टेज पर इस विधि से स्पष्ट कर सकते हो। अव्यक्तवाणी 24 मार्च 85। अपने हिसाब को भी आप साक्षी होकर देखो, इस शरीर से जो भी पिछला किया हुआ है वह चुकतू कैसे कर रहा है, वह साक्षी होकर देखते, इसे कर्म भोग नहीं कहेंगे, भोगने में दुख होता है तो भोगना शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि दुख दर्द की महसूसता नहीं है, आप लोगों के लिए कर्म भोग नहीं है, यह भी कर्म योग की शक्ति से सेवा का साधन बना हुआ है, यह कर्म भोगना नहीं सेवा की योजना है, भोगना भी सेवा की योजना में बदल गई, ऐसे है ना। अव्यक्तवाणी 27 मार्च 85। एक रस अर्थात सदा उड़ती कला की महसूसता रहे, इसमें एक रस, जो कल था उससे आज परसेंटेज में वृद्धि का अनुभव करें, इसको कहा जाता है उड़ती कला। अव्यक्तवाणी 2 दिसंबर 85। सबसे बड़ा बंधन यह मनसा का बंधन है, जो बुद्धि को ताला लग जाता है, इसलिए कितने भी समझाने की कोशिश करो लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा। मनसा बंधन की विशेष निशानी है महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है, इसलिए इस सूक्ष्म बंधन को समाप्त करने के बिना कभी भी आंतरिक खुशी सदा के लिए अतींद्रिय सुख अनुभव नहीं कर सकेंगे। अव्यक्तवाणी 6 जनवरी 86। जो अनेक बार विजयी आत्माएं हैं उन्हों की निशानी क्या होगी? उन्हें हर बात बहुत सहज और हल्की अनुभव होगी। जो कल्प कल्प की विजयी आत्माएं नहीं
उन्हें छोटा सा कार्य भी मुश्किल अनुभव होगा, सहज नहीं लगेगा। हर कार्य करने के पहले स्वयं को ऐसे अनुभव करेंगे जैसे यह कार्य हुआ ही पड़ा है। होगा या नहीं होगा, यह क्वेश्चन नहीं उठेगा। हुआ ही पड़ा है, यह महसूसता सदा रहेगी। पता है सदा सफलता है ही, विजय है ही, ऐसी निश्चय बुद्धि होंगे। कोई भी बात नई नहीं लगेगी, बहुत पुरानी बात है। इसी स्मृति से स्वयं को आगे बढ़ाते रहेंगे। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 86। एक बात ज़रूर करो, जो भी सेंटर पर रहते हो वह आपस में सारे दिन में एक टाइम लेन देन ज़रूर करो। नहीं तो एक एक तरफ रहता है, दूसरा दूसरे तरफ। उससे परिवार के प्यार की महसूसता नहीं आती है और स्वयं में वह स्नेह की शक्ति नहीं होगी तो दूसरों को भी बाप के स्नेही नहीं बना सकेंगे। इसलिए एक दो को ज़रूर पूछो, क्या है, कैसे हो, कोई बीमार है, कोई मन की तकलीफ है, कोई शरीर की तकलीफ है, तो पूछने से वह समझेंगे कि हमारा भी कोई है। कोई भी सेवा का प्लान भी बनाते हो तो दोनों तीनों मिलकर, चाहे छोटी भी हो तो भी उससे हाँ जी कराएंगे तो वह भी खुश हो जाएगी। वह भी समझेगी कि इसमें मेरा हाथ है। और विशेष जो सर्विसेबल सलाह देने वाले हैं, उन्हों की भी मीटिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि उनके सहयोग के बिना आप भी क्या कर सकेंगे। स्नेह और शक्ति का बैलेंस रखते हुए हैंडल करो और आगे बढ़ो। ओम शांति।